स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश में जितने भी टॉपर्स आते हैं, वो आईएएस के टॉपर्स हो या आईआईटी के टॉपर्स हो या नीट के टॉपर हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के टॉपर, उनसे मीडिया विद्यार्थी यही सवाल पूछता है कि सर आप कितना घंटा पढ़ते थे और कितना घंटा पढ़ना चाहिए। सर ये सवाल एकदम गलत है और जो विद्यार्थी जो टॉपर्स इसका आंसर लेते वो भी गलत ही देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा प्रभाव ही नहीं है, कोई ऐसा सोल्यूशन ही नहीं कि इतना घंटा पढ़ने से आप आईएएस बन सकते हैं या वगैरह वगैरह कुछ भी बन सकते हैं। सर आईएएस वही बनेंगे जिनको पढ़ने में मजा आता है, या जीवन में यदि आपको सक्सेस करना है, किसी मुकाम पे पहुंचना है, तो वही इंसान पहुंचेगा, वही इंसान सक्सेस करेगा जिनको पढ़ने में मजा आता है। सर क्योंकि जब आपको पढ़ने में मजा आएगा ना, तो आप ना ही समय देखिएगा और ना ही आप बोर होइएगा। सर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले लीजिए, आप पटना ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, आप कहीं ले लीजिए, वहां के पार्क में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहता है और ना ही वहाँ समय पूछता है, ना ही वहाँ बोर होता है। सोचने की बात है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आप पार्क में बैठे हुए हैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ, वहाँ तो आप समय नहीं पूछते हैं, ना ही वहाँ आप बोर होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सर आपको वहाँ मजा आता है और जहाँ पे आपको मजा आता है सर आपको वहाँ टाइम और बोर नहीं होते हैं। वैसे ही सर यदि आपको पढ़ने में मजा आएगा तो ना ही आप समय पूछेगा और ना ही बोर होगा। और सर जबरदस्ती कब तक पढ़िएगा? जबरदस्ती कोई पढ़ाई नहीं होता है, कोई आप ग्रह नहीं है, बैन नहीं कि आपको जबरदस्ती मार कर काम कराया जाएगा, ये पढ़ाई है। जब तक आपका अंतर आत्मा नहीं जागेगा तब तक आप नहीं पढ़ सकते हैं सर। वैसे ही सर आप पढ़िए इंजॉयमेंट्स, स्टडी इज इंजॉयमेंट्स, वैसे ही स्टडी को आप इंजॉय करके पढ़िए, ना ही आप समय पूछेगा ना ही आप बोर होइएगा। जैसे कि आप पार्क में बैठे रहते सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक, वहां समय इसलिए नहीं पूछते क्योंकि आपको मजा आता है और जहां मजा आपको आने लगा फिर वहां आप समय और बोर नहीं होइएगा। वैसे ही स्टडी इज एंजॉयमेंट कहकर पढ़िए, घर में चिपकाइए, अपने रूम जहां दिए वहां चिपकाइए, स्टडी इज एंजॉयमेंट।